तीव्र झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जिला चमोली के हेलन में था, जिसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। 7.2 तीव्रता के इस भूकंप में 14 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 50 लोग गंभीर रूप से और 122 आंशिक रूप से घायल हुए, जबकि आपदा में 10 लोग लापता हुए व 12 पशु हानि भी हुई। आपदा से पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, रोडवेज, इंदिरा फार्मेसी, विश्व पशा स्कूल, 3 भवन, 1 वर्कशॉप, 1 ट्रांसफॉर्मर, 10 विद्युत पोल के नुकसान आंका गया। भूकंप की वजह से विद्युत बाधित होने से सुनो भयू रज्जू मार्ग में पर्यटक फंस गए, जिन्हें ITBP के जवानों ने रोप द्वारा सुरक्षित निकाला गया। मेट्रोपोल पार्किंग में सहायता शिविर लगाया गया, जहां पर आपदा पीड़ितों को भोजन, पानी, चाय, बिस्कुट आदि दिया गया। राहत कार्यों में विभागीय अधिकारियों के साथ ही SSP, टाई ETBP, SDRF के कुल 206 अधिकारी कर्मचारी लगाए गए। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर में आपदा की स्थिति से निपटने को लेकर तमाम प्रशासनिक अमले ने मॉक ड्रिल की, जो पूरी तरह से सफल रही, जिसमें SDRF, जल संस्थान, अग्निशमन विभाग, पुलिस, NCC के कैडेट समेत स्वास्थ्य विभाग के MVN व वन विभाग की टीम मौके पर रही और राहत व बचाव में हिस्सा लिया। सुखाताल, यहाँ पर तलदाल डाट और कलाखान, तो तीनों जगह हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं। वो सूचना मिलते ही करीब करीब 8:05 पहुँच गए थे और अकॉर्डिंगली उन्होंने कंट्रोल रूम को रिपोर्ट भी किया और तीनों जगह पर एक अभ्यास किया गया। यहाँ पर डाट वाले एरिया में बड़ा अभियान चलाएगा इसमें, और एक मॉक एक्सरसाइज रेस्क्यू वर्क का भी किया गया उसमें बिशप स्कूल में, और कुल मिलाकर के टीमें हमारी सचेत रहीं और समय पर यहाँ पर काम शुरू हो गया था। हम यहाँ तो थोड़ा बहुत थी, लेकिन उन्हीं के निराकरण के लिए इन मॉक ड्रिलों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिस समय कभी एक्चुअल आपदा आए, एक्चुअल घटना हो, तो उस समय इन खामियों को दूर किया जा सके। नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट, आज न्यूज़।